सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने मिशन इंद्रधनुष के संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रथम चरण का कार्यक्रम 7 मार्च से 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें नवजात बच्चों से 2 वर्ष के वह बच्चे जो कोविड टीका से वंचित हैं, उनको टीकाकरण करने का लक्ष्य बनाया है और गर्भवती माताओं का पूर्ण प्रतिरक्षित करना एवं प्रसवपूर्ण सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम हेतु जनपद में 3,869 टीमें बनाई गई है, जिसमें 11,652 बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य है तथा 3,813 गर्भवती माताओं का टीकाकरण करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसके लिए जनपद स्तर पर 669 ANM, 3,647 आशा, 2,282 आंगनवाड़ी वर्कर तथा 182 सुपरवाइजर की मिशन इंद्रधनुष के तहत ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, प्रणाम प्रणाम। ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष के परिप्रेक्ष्य में बुलाई है। मिशन इंद्रधनुष जो है 7 तारीख से लेकर के 12 मार्च तक जनपद में चलाया जाएगा। इसमें 669 हमारी ANM भाग लेंगी, जिनको 182 सुपरवाइजर्स मॉनिटर करेंगे, 3,647 आशाएँ भाग लेंगी और 2,282 आंगनबाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसके साथ साथ इसमें 3,867 सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो कोविड टीकाकरण के दौरान या कोविड महामारी के दौरान जो हमारे लगभग 11,652 बच्चे छूटे हुए थे और 3,813 गर्भवती माताएं जो टीकाकरण से वंचित रह गई हैं, उनको चिन्हित किया जा चुका है। जो हमारे हाउस टू हाउस सर्वे अभी पिछले माह हुआ था, उसमें चिन्हित किया गया है, उन्हीं का टीकाकरण करने का अभियान है। इसमें 2 वर्ष से के नीचे के जो बच्चे हमारे जनपद में छूटे हुए हैं, जिनकी संख्या 11,652 है, और वो गर्भवती माताएँ जिनकी संख्या जो है 3,813 है, उनका जो है टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए हमारी टीमें जो हैं, जैसा कि हमने बता चुका हूं कि हमारी 669 ANM जो हैं 182 सुपरवाइजर के निर्देशन में हाउस टू हाउस जाकर के टीकाकरण विभिन्न सत्रों पर एकत्र होकर के टीकाकरण का कार्य कराएंगी, जिससे कि हम जनपद में टीकाकरण के लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में एक जागरूकता के तहत जो है क्षेत्र में हमारी आशाएँ, हमारी ANM, हमारी आंगनबाड़ी इसका बेहद प्रचार प्रसार कर रही हैं। हमारे DIO साहब जो है प्रतिदिन जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, भौतिक भ्रमण भी कर रहे हैं, और जो भी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर भी लोगों को संवेदीकृत किया जा रहा है कि जिससे उस दौरान जो है सभी लोग जो है कोविड में जो सशंकित थे, टीकाकरण से जिन लोगों के मन में भय व्याप्त था, उसका जो है नियमित रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एक आम जनमानस में जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में हमने इस गोष्ठी को बुलाई थी। इसमें आप लोग आए हुए हैं, आप सभी लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास करता हूं कि आप लोग इसका जो है अभी 2 दिन का समय बचा है, इसका बेहद प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि हमें क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।